अच्छी लगी मूवी गदर। पहले आज तक लगा दो, कहाँ लग गया आज तक? सर एक नंबर मूवी है सर, सर एक नंबर मूवी है, पहले वाले से खतरनाक मूवी है सर। आप क्वेश्चन करते रहो, मैं सर जवाब देता रहूंगा। सर इस बार तो हैंडपंप का भी बाप उखाड़ दिया सन्नी साहब ने। खंबाई किससे आजादी दिलाएगा तू हमें? अगर यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान में बसने का वापस मौका मिल गया तो तेरा पूरा पाकिस्तान, आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा आ जाएगा तुम लोगों के हाथ में, कटोरा दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। माई मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, भीख मांगोगे तुम लोग भीख, समझे? खबीस के औलाद इंटरनेशनल भिखारी बन जाओगे मुसलमान के। तू नमाज पढ़ने जा रहा है ना, तो अल्लाह से यही दुआ मांगना कि मेरा पापे यहां ना आ सके। अगर मेरा पापे यहां आ गया तो तेरे इतने टुकड़े करेगा, इतने टुकड़े करेगा, इतने टुकड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान गिन नहीं पाएगा। हबीस की औलाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब तक कायनात रहेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। आज ये पूरी पिक्चर खतरनाक फाड़ू फाड़ू पिक्चर है फाड़ू। और जो इसकी फाइट है श्री टीनू वर्मा जी की, जिन्होंने घायल घातक दामनी इससे पहले गदर की फाइट, क्या फाइट है उनकी। आज ये गाने भी खतरनाक, फाइट भी खतरनाक, इमोशनल भी खतरनाक। बहुत से एक्टर जो होते हैं ना आंखों में ग्लिसरीन डालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, फर्जी फर्जी आंसू। सन्नी साहब की, हमारे सन्नी साहब, उनकी आंखों में बिना ग्लिसरीन डाले आंसू आते हैं। और इतनी मोटी मोटी आंखें, आंख निकालते तो आदमी का पेशाब जाम हो जाए। फुल फिल्म चलनी चाहिए सर गदर, ये शोले और मुगले आजम की तरह चलनी चाहिए सर, पहले वाले से ज्यादा खतरनाक चलनी चाहिए।